व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हमारे साथ हमजा भाई। हमजा भाई सलाम कर लो सबको। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम आवाम को अपनी। तो भाई इनको हम लोग आए एक्चुअली गाड़ी से ही कराए अपनी, और फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ बहुत तगड़ा कुछ जला हुआ है घर, तो मैं चलो उसका वीडियो बनाते हैं और यहाँ दिखाते हैं लोगों को कि भाई ये गैराज पेंट वर्कशॉप था जो कि पूरा जल के नाश हो चुका है भाई साहब। तो इसको देख लो आप, और इसके अंदर कार वार थी सब जल चुकी है। तो बाकी दिखाते हैं आपको आगे। भाई साहब इसके अंदर एक कार है, इसके अंदर कार भी सुहा हो गई। ये एक्चुअली पेंट का वर्कशॉप था एक, जहाँ पे पुताई होती थी पेंट की, मतलब कार की पेंटिंग होती थी, डेंटिंग पेंटिंग। तो अभी हम लोगों ने मिस्त्री से पूछा कि यहाँ इसकी कहानी क्या है। मिस्त्री ने हमें ये बताया कि वो लोग रात को, तो आगे की कहानी जो है मिस्त्री ने हमें क्या बताया वो बताएंगे। चांद नवाब पापा के हमारे चांद नवाब आराम से भैया। तो मिस्त्री ने बताया कि यहाँ पे कल रात को 4-5 लोग जो है वो बैठ के कर रहे थे नशा। उसके बाद भट्टी में थी आँख और ये थी पेंट शॉप। ये आप देख रहे होंगे, ये है डेंटिंग पेंटिंग का सारा एरिया, और ये पूरी शॉप बनी हुई थी। यहाँ पे पेंट होती थी, गाड़ी रैपिंग होती थी। तो आपको पता है पेंट में जो है वो बहुत सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल भी यूज़ किए जाते हैं। तो वो भट्टी में आग जो है वो फैल गई और इसका ये हाल हो गया दोस्तों। तो लोग रायता फैल गया, ये गाड़ी भी सब जल गई और बंदे सारे भाग गए यहाँ से फौरन। इसके बाद आप देखें गाड़ी के अंदर पूरी जल गई है, और भाई क्या बुरा जला है। देख रहे हो आप, यहाँ एक और कार खड़ी है, उसको भी आगे से वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। वो वाली कार है, वो भी आगे से मेल्टेड है। तो यार ये बड़ी खतरनाक भाई, अगर हम इसको बनाएं तो क्या कितना खर्चा आएगा इस गाड़ी का? मैं कोई मिस्त्री हूँ क्या मुझे? ओ आराम से भाई, आराम से। हमजा भाई बहुत खस्ता हालत है दोस्तों। नहीं, आपकी खस्ता हालत हो गई तो आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, मैं तो अभी भुगता बैठा हूँ। अच्छे। अभी मैं कुछ दिन पहले ही अस्पताल से आया हूँ, अब इनकी हालत, इनकी इनको ले जाने वाली हालत ना हो जाए कहीं। आराम से हम भाई देख के दो, कीले वीले भी हैं फट्टों में। तो भाई ये हालत इस गाड़ी, इस जगह की बहुत बढ़िया। एक्चुअल कहानी ये हुई है कि ये अप्रैल की बात है, अप्रैल में कभी इसमें आग लग गई थी। और जो कहानी का क्या मतलब है, मैंने जो बोला वो सब झूठ था और नशा कर रहे थे, कुछ भी कहानी। तो भाई तो हमें जो मिस्त्री ने बताया, उसने बताया कि हाँ बंदा जो पेंटर था वो अंदर था दुकान के, और सुबह के टाइम एकदम से इसमें आग लग गई, सुलगी और पूरे वर्कशॉप में आग लग गई। वो बंदा भाग गया है, अभी तक वापस दिखा नहीं, 4-5 महीने हो गए, पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको। इस आग से गाड़ियों को तो दिखाएं, मर्सिडीज खड़ी है वहां तक। एक गाड़ी तो अंदर भी पूरी हो चुकी है, जल चुकी है स्वाहा, और एक पीछे की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको। यार यहाँ भी ना ये शॉर्ट सर्किट वॉर्ड सर्किट हो गया, आगे आगे लगती रहती है अक्सर। चांद नवाब के साथ, चांद नवाब चले अंदर, चले उस तरफ, चले इधर, चले अंदर की तरफ, पर देख के चलना कि कुछ लगे ना। असल में अजू भाई ये सारा डैमेज तो वो सिर्फ लकड़ी की कंस्ट्रक्शन की वजह से नजर आ रहा है। हाँ वही आपने बताया, वही ये सारा नुकसान जो, अगर ये मेरे ख्याल से कंक्रीट स्ट्रक्चर होता तो इतना डैमेज नहीं होता। आप देखें ये सारे बीम जो थे लकड़ी के थे, जब ये सब जला तो पूरा एक साथ ही कोलैप्स हो गया। वही लकड़ी की वजह से ही तो मेल्ट हुआ है सारा, और लोहे में तो मेल्ट होता नहीं ना इतना। गाड़ी में देख रहा हूँ कि क्या, और ये गाड़ी मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये गाड़ी है कौन सी। ये मुझे लग रही है BM, और इसका तो कुछ बचा भी नहीं है ये देख के बंदा जो हम दवाई निकाल सके। ये आपने सही अच्छा, वो फायर एक्सटिंग्विशर खाली बचा है, जो बेचारा इस आग को भी नहीं बचा पाया। ये बात तो सही है, इस क्या फायदा है ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का, जो नहीं तो उसको चलाना भी तो पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है ना भाई। भाई जब उसको चलाने वाला ही भाग गया, क्या फायर एक्सटिंग्विशर अपना चलने लगता है।
अच्छा, लेकिन ये यहाँ का अच्छा रूल है कि हर गाड़ी में मेडिकल किट और फायर एक्सटिंग्विशर के बगैर आप नहीं चला सकते कोई भी गाड़ी। अच्छा आजू भाई, यहाँ ध्यान से ये वो बना हुआ है, गड्ढा है, पिट है, हाँ नीचे, हाँ पिट है वो गाड़ियों के लिए। अच्छा आपने, अच्छा हाँ पिट है भाई। ऐसा होता है यहाँ, देखो आग वाग लग जाती तो ये हालत हो जाती है, और कोई और यहाँ केयर भी नहीं करता ना किसी को इससे, हाँ, कोई लेना देना। जो इसका मालिक था उसने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ का लोहा उठा के बेच दे। हाँ, हाँ, उधर से ऐसे ही है। तो इंडिया पाकिस्तान में बाद में लगती है, पहले ये लोहा बेचा जाता है। सही बात है, पहले इसका जुगाड़ है कि अब इसको बेच के थोड़ा सा पैसा पहले एंटी कर लो। ये तो दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, मुझे इंडिया का तो नहीं पता लेकिन पाकिस्तान में जो है वो नशे ही जो है आपको ये दो दिन के अंदर ना ये खाली करके चले जाएंगे। और इतने एक्सपर्ट होते हैं जो काम क्रेन नहीं कर रही होगी ना, वो चार बंदे आएंगे नशे ही, ये सारा लोहा उठा के बेच के दो दिन में ये जगह साफ। ये बात तो नहीं भाई, ये तो खजाना है उनके लिए, ये तो खजाना है इनका, इनका पड़ा हुआ है यहाँ कोई सोना। हाँ गोल्ड माइन है ये उनके लिए, बड़ा यहाँ तो कोई परवाह ही नहीं है लोगों को। लेकिन यहाँ की नशेड़ी भी बहुत आलसी है ना, वो पी के ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनकी उनकी हिम्मत ही नहीं यहाँ तक आने की भाई। सच में लेकिन बहुत दुख हुआ जो भाई ये सब देख के। हाँ यार बड़ा अजीब लग रहा है देख के, मैंने कहा तभी यहाँ चलते हैं वीडियो बनाते हैं यार एक बार, देखते हैं भाई ये सब चीज़ें क्या खतरनाक चीज है। और मेरे लिए सबसे शॉकिंग चीज ये कि 4-5 महीने हो गए इस चीज को, हाँ? ना कोई रिकवरी, ना कोई रिस्पॉन्सिबल है, ना कोई फिक्स कर रहा है इसको, ना कोई इसको क्लीन कर रहा है। हाँ? या तो ये जगह सेल होने के लिए, या हाँ या तो गवर्नमेंट ही इसका लोहा बेच देती, या गवर्नमेंट इसको सील कर देती, ऐसे एटलीस्ट टेप वेप लगा देती, कुछ नहीं। अच्छा अरे इसका लोहा कोई भी ले आ सकता है, अगल बगल वाले ही लोहा पटक ले इसका, कोई भी। मैं आपको और बताऊं ना, यहाँ पे लोहा का उतना फायदा नहीं होता जितना हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है, क्योंकि यहाँ पे लोहा बहुत चीप है, क्योंकि स्टील की प्रोडक्शन रशिया में होती है सबसे ज्यादा, और ये रशिया के बिल्कुल नेबर कंट्री है। तो लोहा यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे यहाँ प्लास्टिक, और कम कीमत का होता है, तो इसलिए कोई इतना बॉदर नहीं करता यहाँ पे लोहे की चीज़ों का, इसलिए गाड़ियाँ भी बहुत कम पैसों में स्क्रैप होती हैं। हाँ ये तो, ये गाड़ी स्क्रैप करते हैं मैं तो कह रहा हूँ, नहीं तो ये हमें ले आने कौन देगा। अबे ये यार हमजा भाई, ये तो काम की चीज निकल गई, मिल गई। अदिल भाई इतनी पता नहीं कितनी चीजें होंगी यार, ये तो पहले पहले इसको जिम बढ़ा ले। मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग टॉर्च लेके आए हैं, घर चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, आते हैं इधर और स्कैनिंग करते हैं यहाँ पे। नहीं बहुत सारी चीजें, मतलब ये तो अपन को उसके लिए चाहिए था, मेरे को अपनी वो नक्का टाइट करने का, बैटरी अब तो का। हाँ पर अब तो अब तो कार ही जल गई, खैर कार ही खत्म हो गई तो कार ही चली गई वाली। तो भाई ऐसा होता, तो भाई ऐसा होता है अगर आग लग जाती है इधर, और कमाल की बात ये है कि कोई इस जगह पे भटक नहीं रहा, कोई इसमें से सामान नहीं चुरा रहा, कोई लोहा नहीं निकाल रहा हमारे अलावा। हमने सिर्फ पारा निकाल लिया वहां से, पारा कर लिया तो पारा हमारा ही काम तो आ जाएगा, बढ़िया पाना है वो, मतलब नॉर्मल जो ज़्यादातर वही दस अपने दिखा देते हैं भाई, ये वहाँ की सौगात लेके जा रहे हैं हम तो। एक साइन होता है सिग्नेचर मटेरियल। यस चलो भाई, सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू लाइक द व्लॉग, इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए लातविया के बारे में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Take care. Bye-bye.